लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में फंसे मजदूरों को श्रमिक ट्रेन से छतरपुर रेलवे स्टेशन लाया गया। मजदूरों की जांच के बाद उन्हें बसों से घर भेजा जाएगा। लॉकडाउन में फंसे 932 मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन दिल्ली से छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में राजधानी भोपाल सहित 23 जिलों के मजदूर थे, जिन्हें 32 बसों के माध्यम से उनके जिलों में भेजने की व्यवस्था प्रशासन ने की। स्टेशन पहुंचते ही मजदूरों का पहले स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया, उसके बाद इन्हें लंच पैकेट दिए गए। जिले में सभी मजदूरों को 14 दिनों तक क्वारंटीन किया गया है, जिसके बाद उन्हें गांव भेजा जाएगा। ये दिल्ली से ट्रेन से मजदूर आए हुए हैं, जो हमारी सूची है उसके मुताबिक 984 लोग मजदूर इस छतरपुर पर उतरेंगे, जो विभिन्न जिलों के हैं, 23 या 24 जिलों के कुल मिलाकर के ये सारे मजदूर हैं, जिनको अपने अपने गंतव्यों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बसों का इंतजाम किया गया है और कुछ अन्य जिलों के द्वारा भी अपनी अपने जिलों से बसें यहां भेजी गई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 35 बसें का यहां पे इंतजाम तो और भी अधिक है, पर 35 बसों से लोग जाएंगे और यदि ऐसा भी हुआ कि कुछ और आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास रिजर्व में भी बसों का स्टॉक है और जिला प्रशासन के द्वारा उनके खाने की व्यवस्था की गई है, पीने की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। अच्छे से पहुँचाया, उन्हें अच्छे से सब व्यवस्था करी, खाना पीना की व्यवस्था बनाई और रुपया भी नहीं लगा, सब आराम से मैं बिल्कुल आराम, एक आदमी एक सीट पे रहा, कोई बात की टेंशन भी नहीं रही। किसने दिया किराया? किराया सरकार ने दिया। खाने में क्या दिया? खाने में एक डिब्बा दिया था, उसमें बिस्कुट थे, कचौड़ी थी, रसगुल्ला था, सब था, सामान था उसमें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।